तो मैंने बनवाया था पैकेज और मुझे कराना था नेल आर्ट्स, तो नेल आर्ट्स मेरा जो पैकेज बना हुआ था उसके अंदर नेल आर्ट भी इंक्लूड था, नेल तो नेल एक्सटेंशन इंक्लूड था, नेल आर्ट तो मैंने खुद से करवाया था। तो यही था और मैंने करवाया फटाफट से अपना नेल आर्ट समर के अकॉर्डिंग, तो बहुत ही अच्छा किया था पर थोड़ा कॉस्टली किया था। तो आप देख सकते हैं ये है मेरा नेल आर्ट जो काफ़ी ब्यूटीफुल और यूनिक है एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। आप लोग ये डिज़ाइन में भी जा सकते हैं, अभी समर और मानसून का सीज़न है ना, तो आप इसमें भी जा सकते हैं जो काफ़ी काफ़ी अच्छा और यूनिक सा डिज़ाइन लगता है। तो ये डिज़ाइन ना मैंने इंस्टा से ही निकाला था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और येलो ऐसे कलरफुल चीज़ें ना मानसून के मौसम में आपको पता है बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्लासी लगता है और यूनिक डिज़ाइन लगता है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इवन ये वाला लुक को भी मुझे रखना ही था, थीम रखना था, क्योंकि मैं जा रही थी पचमढ़ी, उसके पहले हम रात में आ गए थे खाना खाने, जो खाना खाने आए थे हम मालाबार कोस्ट में, तो अभी चल रहा है मानसून सेल बहुत ही बड़ा एंड 50% ऑफ फिनिक्स मॉल में, तो मैंने परचेस किया था बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग करी थी, तो उसमें मुझे एक कूपन मिला था 1000 रुपीज़ का, तो उस कूपन से हम लोग यहाँ पर मालाबार कोस्ट में कुछ सिलेक्टेड जगह ही जाना था तो हम लोग यहाँ पे आ गए। तो ये है पूरा केरला वाला थीम था और यहाँ पे केरल जैसा ही खाना कोकोनट में बनता था, ये सारी चीज़ें आपसे प्योर जो कॉपर का होता है ना तांबा बोलते हैं, उसकी थाली थी, ऊपर पूरे केले के पत्ते लगे हुए थे और पूरा खाना कोकोनट ऑयल से ही बनता था। तो स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छा लगा, ये इनकी चटनी वगैरह है जो लाइक कोकोनट चटनी है, अलग अलग टाइप की चटनी दी थी, तो काफ़ी टेस्टी और अच्छा था, तो हम लोग इंजॉय कर रहे थे। और उसके साथ ये हमें कॉम्प्लीमेंट्री कुछ मिला था, कॉर्नफ्लेक्स टाइप का कुछ था ये और वो हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिला था। तो मुझे तो वैसे बहुत कुछ मिला है अपने फिनिक्स मॉल से, पासपोर्ट्स मिले हैं एंड काफ़ी चीज़ें मिले हैं, तो मुझे उसमें खाने का भी मिला था। तो हम लोग आके 1000 रुपीज़ के खाने के लिए हम लोग आ गए थे खाना खाने, तो यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें बनी थी ना, सारी चीज़ें कोकोनट से ही बनी थी, जो एक दो बाइट तो अच्छी लगती है बट बाद में, क्योंकि कभी हम लोगों ने खाया नहीं और कोकोनट ऑयल से खाना मतलब नहीं हो पाता, तो यहाँ पर गोलू ने खाना स्टार्ट किया जो उसको भी नहीं अच्छा लगा, उसको बहुत गंदी हीक सी आ रही थी। हम लोग हमेशा सरसों के तेल या फिर सरसों या मूंगफली के तेल से ही मोस्टली खाना खाते हैं, तो वही सारी चीज़ें हैं, तो पहले तो उसको अच्छा लगा तो उसने ऐसा